हाँ विनेश, है सत्ता के शिखर पे चढ़ना है। नहीं सर, लोगों के दिलों पर राज करना है और वो हो गया है। हमारे लोग पूरा प्यार और सम्मान दे रहे हैं और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं हाँ, निराकार है, मुझे पता लगा। चंदवाही लगातार चल रही है, 600 साल पुराना है। 600 साल पुराना है। और मैंने आज तक मतलब जितने भी मंदिरों में मैं गई हरियाणा में, कोई इतना बड़ा मंदिर मैंने तो देखा नहीं आज तक। तो परमात्मा आशीर्वाद रखे हम सब के ऊपर। आशीर्वाद तो सब ने लेना पड़ा है। आप तो नई नई आई राजनीति में, ओको मंदिर में जाता हो चाहे ना जाता हो, और एक जनता जनार्दन भाई, भगवान तो प्रजातंत्र का आप लोग है ना, वो भाई जिसने बना दो जिसने बिगाड़ दो उनके दौरे भी चुनाव में ही याद आती है। भगवान की याद आ गई विनेश? ना ना सर, हमारे तो भगवान के बिना काम नहीं चलता। मन तो इंजरी हो जाए जब भी, भगवान जी प्लीज ठीक जल्दी करियो। अगर हार गए तो भगवान जी को ना अगली बार जितवाइयो, तो हमारे तो भगवान ही है। मैं तो बेड़ा पार करवाने वाले और उनकी कृपा बनी रहे, अपने लोगों की कृपा बनी रहे, उससे ज्यादा और क्या चाहिए। अब मैं मिट्टी का मंदिर बताऊं था दर्शकों को कि ये लीपा हुआ है और पहलवानी में भी दंगल जब करते हैं उसकी भी लिपाई भी होती है, खुदाई भी होती है, मिट्टी से एक जुड़ाव होता है। तो ये पहलवानी का अखाड़ा छोड़ के ये राजनीति में क्या करना आ गई? मैं आई नहीं हूँ, मैं बुलाई हूँ। मतलब ना जितने भी लोग मिल रहे थे सब की बेटा अब तुम्हें आना पड़ेगा हमारे बच्चों के लिए। ये तो मोदी जी से सीख लिया, अब मेरे को गंगा मैया ने बुलाया है, आप कह रही हैं जनता ने बुलाया है। कम से कम नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने कि नहीं आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। मेरा बिल्कुल विचार नहीं था इस चीज के ऊपर, ना कभी जिंदगी में सोचा था, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगता है इन चीजों से। सोशल लाइफ बहुत एक बहुत टफ लाइफ है, हम एथलीट के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ना तड़के तो आप उठ तो जाओ हो, पर ये प्रैक्टिस निकलने दें, सारे आके बैठ के चाय मांगेंगे और ना पिया हो तो बुरा मान जाएंगे, किसकी तो नाक चढ़गी। तैयार हैं आप उसके लिए? ना सर, बिल्कुल तैयार हैं। आप अपनी संस्कृति अपने लोगों को जानने का मौका मिल रहा है। एक तो बड़े बुजुर्गों के साथ जब ऐसे, ये भी हमें शर्माते हैं मतलब पास में बैठने से, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि बच्चों के साथ में नहीं बैठते या महिलाओं के साथ में ज्यादा नहीं बैठते। मेरे को वो एक मौका मिल रहा है कि अपने बड़ों से जो मैं जितनी भी सभ्यता हमारी रही हरियाणा की, चाहे कितना वो एक्सपीरियंस मेरे को मिलेगा बहुत ज्यादा। बहुत चीजें हैं जो मेरे को सीखनी है, जो एक ये जिंदगी का एक ऐसा दौर है जहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि खेल से अलग मैं कुछ सीखूंगी। खेल में बहुत सम्मान है। देखिए आपको जो देश ने, देशवासियों ने जो मान सम्मान दिया, पदक ना मिला हो, पदक से ज्यादा प्यार लाड दुलार आपको लोगों ने दिया। राजनीति को लेके देखिए आम आदमी की कोई जो भावना है ना, वो ज्यादा सकारात्मक नहीं होती। राजनीति को लेकर एक नकारात्मक पुट आता है। तो जब आप राजनीति में आई हैं, अब आपको डर नहीं लग रहा? ये अपने आप में एक जुआ कि भाई लोग कहें कि भाई विनेश भी वैसी ही लिखड़ी। यही तो धारणा बदलने की एक लड़ाई है ना सर, यही तो बदलने के लिए आ रहे हैं। ईमानदार लोग नहीं है। ईमानदारी से सच्चाई से काम करोगे ना, तो बहुत सारे पॉलिटिशियन भी ऐसे हैं जो जिनको लोग याद करते हैं आज भी, उनके अच्छे कामों को याद करते हैं। और अभी इनको देने का टाइम है, हमने बहुत कुछ लिया है इनसे, इनकी दुआएं ली हैं, इनका आशीर्वाद लिया है, हमेशा इनसे मांगा है हमने, अभी देने का टाइम है। तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, कुछ तो देना पड़ेगा। ऋण है, कर्ज है, बहुत बड़ा, और ये उतरेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम ऐसा है कि हम इनको बोले कि देखो हमने थोड़ा सा तो किया हमारे, क्योंकि नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। आपको पता है पावर में जब नहीं हो गया, आप कहीं पे नहीं बैठे हो, तो आप भी एक हम नीचे भी उतर सके। मैं आपके कार्यक्रम को बीच में रोकूंगा, चलते चलते बात कर सके। हाँ तो आप कुछ कह रही थी? हाँ नहीं तो वही, देने का टाइम है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। हाँ, आप आते रहो, मैं तो फिर भी रिपोर्ट सकूं, आप ना रिपोर्ट। बस सर, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज एक ही दिन में मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना, लेकिन वो ये भी एक संघर्ष है जिंदगी का। इसको भी देखेंगे, इसको भी सीखेंगे। अपने लोग नाराज नहीं हो, अपने लोग निराश नहीं हो ना, वो एक बहुत बड़ी मेरे लिए एक चैलेंज रहेगा। और कोई मेरे लिए ऐसी वो नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, कुश्ती करी है, अभी अपने लोगों के बीच में आई हूँ। क्या पता मैं अगर ये रेसलिंग करी होती तो इतने लोगों से नहीं मिलती, अलग अलग तरीके के विचार। तो एज ए इंसान भी मैं ग्रो करूंगी, और 30 साल की उम्र में जो मैंने सीखा है ना, वो इतना सीख लिया है कि मेरे को जो 2 साल के संघर्ष में सीखा है कि मैंने 60-70 साल की हो जाती तब भी नहीं सीख पाती। जुलाना सोच समझ के लिया विधानसभा क्षेत्र, आपकी ससुराल भी है,
यहाँ बहू बन के आई थी विनेश, आज यहाँ पर वोट मांग रही है, उनका प्रतिनिधित्व करने की बात कर रही है। नहीं सर, कोई सोच समझ के नहीं लिया था, ये पार्टी का निर्णय हुआ है। मैंने किसी भी एक सीट का ये नहीं बोला था कि मुझे ये करना, मैंने बोला कि आप देखो आपको क्या ठीक लग रहा है, कि आपको देना है नहीं देना है, करना है नहीं करना है, वो आपके ऊपर है, तो पार्टी ने डिसाइड किया कि ये करना है। नहीं, अब वो आरोप लगने लगे ना, अब तो राजनीति में आई हो, आरोप तो झेलने पड़ेंगे। पहले तो अपने प्रतिद्वंदियों के दांव पेंच, उनकी काट ढूंढनी थी, अब ये जुबानी तीर जो चलेंगे ये चलने शुरू हो गए हैं कि ना जी कांग्रेस का षड्यंत्र था, कांग्रेस वाले ने बिठा दिए थे ये पहलवान, और अब ये आगे राजनीति में देखो जी 2+2=4 हो गया, हैंस प्रूव्ड। सबसे पहले तो जब धरने पे बैठे थे ना सर, तो बीजेपी के दो लोगों ने परमिशन लिया था जंतर मंतर पे बैठने का, तो वो तो ये पॉइंट ही नहीं है कि किसने बिठाया था, किसने तो आपकी बीजेपी ने पॉलिटिक्स की थी, हमने तो की नहीं, हम तो सच्चे मन से एक अच्छी भावना से बैठे थे, हमें हमारे साथ ही गेम कर गए उनके लोग ही, वो अलग बात है, लेकिन वो लड़ाई हमने छोड़ी नहीं, उस लड़ाई में हमने हार नहीं मानी है, और आने वाली जनरेशन को हम बोल सकते हैं कि देखो हमने लड़ाई लड़ी, लड़ाई का रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता है, हमने लड़ी है, लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ेंगे, जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी ना तब तक तो हम नहीं मरेंगे। साक्षी मलिक कहती हैं कि नहीं आंदोलन जारी रहना चाहिए, आंदोलन की पवित्रता के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ऑफर मेरे पास भी आए मैंने तो ठुकरा दिया। सर ये तो एक वही उसने साक्षी ने यही भी बोला ना कि पर्सनल चॉइस है, जैसे अभी साक्षी ने ये बात बोली, साक्षी ने कुश्ती छोड़ दी थी, मैंने नहीं छोड़ी, मैंने की है ना, तो ये आंदोलन की रही बात, आंदोलन तो हमारा अभी चल नहीं रहा है ना, आंदोलन हमें सच्ची ईमानदारी से निभाया है, आज भी सच्ची भावना से हम निभा रहे हैं, वो लड़ाई कोर्ट में चल रही है, वो लड़ रहे हैं, उससे पीछे नहीं हट रहे हम किसी भी चीज से, तो हर एक चीज के हम लड़ रहे हैं, लेकिन अभी इतना सब हो रहा है ना, हमारे को कुछ तो ऐसा चाहिए ना जो हम इन इन दुश्मनों से, जो बड़े बड़े दुश्मन उनसे कैसे लड़े, हमें वो इतनी ताकत नहीं हो रही है ना, उनसे लड़ने के लिए भी तो हमें भी तो ताकत चाहिए ना, हमें भी तो कोई जो वो बैक सपोर्ट ले रहा है बीजेपी का, हमें भी तो कुछ ऐसे चाहिए ना सपोर्ट। बैक सपोर्ट क्या, वो तो सांसद भी रहे हैं, अब उनका बेटा सांसद हो गया, वो तो कह रहे हैं कि ये विनेश आरोप लगा रही है, अगर मेरे आप मैंने ऐसा किया होता मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती, थप्पड़ क्यों ना मारा उस टाइम, वही तो हमारी गलती रहेगी ना सर, ये लगा लो परमात्मा ने इतनी हिम्मत पहले नहीं दी, इतनी दे देते तो शायद बहुत सारी बच्चियां बच जाती, अभी थप्पड़ मारने का भी टाइम आएगा, सब कुछ आएगा, अभी वो बोलते हैं ना कि हरियाणा में एक हिंदी में कहावत है कि नाई के बाल ये तो अभी आगे गिर जाएंगे, उसका तो अभी रिजल्ट आ जाएगा, इतना क्यों डर रहा है वो, अभी इतना बौखला क्यों रहा है। नहीं वो तो यहाँ तक भी कहा कि दो दो भार में, दो वेट कैटेगरीज में कौन ट्रायल देता है, 5 घंटे वेट कैसे करना पड़ा, विनेश ने तो धोखाधड़ी करी, धोखा करके वह ट्रायल में सेलेक्ट हुई, वहाँ गई पेरिस में तो हो गया उसका धोखा, अगर मैं इतनी धोखे का जवाब धोखा ही मिलता अगर है। अगर मैं इतनी शक्तिशाली होती तो सबसे पहले तो मैं ब्रजभूषण को पकड़ के जेल में ही डाल देती, अगर मेरी इतनी इस देश में मैं इतनी ताकतवर हूँ तो मैं पहले उसका ही बंदोबस्त करती ना जो उसने इतना कर रखा है। वो कह रहे हैं दो दो बार में कोई लड़ ही नहीं सकता, मजबूरी है, क्यों नहीं लड़ सकता है, ये कोई ये रूल कहाँ है, लोकल में कोई रूल नहीं होता है, और जो भी रूल भी बना रखे है वो ब्रजभूषण ने बना रखे हैं, उसने जो रूल बना रखे उसी हिसाब से ट्रायल हुआ था, के लोग थे उसी का डम्मी है ना, वो उसी का डम्मी है, फेडरेशन उनकी है, प्रधानमंत्री उनके हैं, बीजेपी उनकी है, और मैं चली गई ऐसे ही, इन्होंने रोकने की तो कोशिश की लेकिन लोगों ने परमात्मा ने इतना आशीर्वाद दे रखा है कि नहीं रुकी मैं, नहीं रुकी तो आज हूँ, आज इनको चुभ रही हूँ मैं, इनको उनको सहन नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे। ब्रजभूषण ब्रजभूषण तो कह रहे हैं कि ये ऐसी राजनीति कर दी, ऐसा खेल करा विनेश ने, मारे तो 5-5 मेडल आते रेसलिंग में और इन्होंने वो मेडल नहीं लेने दिए। नहीं सर ये तो अपना मेहनत के ऊपर संघर्ष पे होता है सबका, वो मैं कौन मेडल लेने से रोकने वाला, अगर ऐसा ही लेने देने से मैं ही कर लेती, अपना ही ले आती मैं, है ना, वो तो सबकी मेहनत है। हाँ। और वो तो अच्छा क्या है, पर आपने तो जीत लिया था मेडल, वो 100 ग्राम वह कहानी कद सामने आएगी, अभी तक लोग ये मानने को तैयार नहीं, अगर भाई 100 ग्राम के पथ है मारा स्वर्ण या रजत पदक कैसे मारा गया। सर बिल्कुल कहानी है बहुत बड़ी, मंदिर में खड़ी हो आप निराकार मंदिर में, नहीं बिल्कुल मंदिर में खड़े हैं, कहानी है बहुत बड़ी, एक कहानी है और उसको जरूर बताएंगे, और वो मुझे ही बताएंगी एबीपी न्यूज पर। नहीं बिल्कुल बताएंगे, बहुत गेम तो बहुत गेम बताई ना इन्होंने, इनका बस चले तो पता नहीं है क्या कर देते, लेकिन परमात्मा ने इतना बड़ा आशीर्वाद, कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा सकती थी वहाँ पुरजोर तरीके से, उसमें बहुत हीला हवाली हुई, बहुत देरी हुई, इनको मौका मिल गया ना, मौका मिल गया, पेट में दर्द हो रहा था ये विनेश कैसे जीत गई, इसने सुसाकी को कैसे हरा दिया जिसको कोई दुनिया में हरा नहीं पाया, वही इनको प्रॉब्लम हो रही थी इसी चीज से, और काफी ये जो बाद में भी जो कोर्ट केस किया वो मैंने किया है, उसके बाद में लॉयर आए हैं सरकार ने, वो दिखाने के लिए लॉयर भेज दिए हैं,
जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो बोल रहे हैं वो सब सच नहीं है, जो इनसाइड जो मुझे पता है क्या हुआ था, कितना कितना राजनीति में आने का एक बड़ा कारण क्या ये भी है, ये इंसाफ की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ पाओ, वरना एक खिलाड़ी दो दिन आदमी पूछे बाद में भूल जाए। यही सबसे बड़ा रीजन है, यही है मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। रोड पे जाए तो उधर से फेंक रहे हैं, ओलंपिक्स में जाए उधर से टांग खींच रहे हैं, जाए तो जाए कहाँ, कहाँ जाए आप बताओ। पर आपने इतने लोगों का सत्यानाश भी कर दिया, वो जो अखाड़े में जहाँ जाया करते उन अखाड़ों में जाने को तैयार नहीं हो रहा है ना, ऐसा कोचेस को रोका जा रहा है, माँ बाप को कहा जा रहा है फलाने कोच के दौरे ना भेजो, ये आंदोलनकारी थे, ये आंदोलन जीवी थे, इनके पास ना जाओ, आपने उनको परेशानी में डाल दिया। सर मैं तो बोलती हूँ कि अच्छा संकेत है, अगर माँ बाप इतने अलर्ट हो रहे हैं अपनी बच्चियों को लेके तो ये एक अच्छा संकेत है, उनको पता चल रहा है कि इनसाइड क्या होता है, वो अपनी बच्चियों को सेफ रख सकते हैं, वो इस चीज पे अलर्ट हैं, वो एक अच्छा संकेत है, आप उसको गलत नहीं बोल सकते। पहले माँ बाप हर चीज लड़कियों को किसी के ऊपर छोड़ देना वो एक बहुत बड़ी एक गलत चीज थी जो हमने देखी है, जो हमने